नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएच का रेशियो कैसे निकालते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बहुत कम लोगों को ये पता होता है कि पीएच का रेशियो क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है। हालांकि मैंने इसके ऊपर पहले भी बहुत से वीडियो दिए हुए थे कि आप पीएच का रेशियो कैसे निकालते हैं, उसमें मैंने प्रैक्टिकली इतना नहीं बता पाया था मैं, और मैंने उसका बेसिक नॉलेज बता दिया था कि आप पीएच रेशियो को कैसे निकालते हैं। आज का मेन टॉपिक यही है कि आप पीएच का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं और इसको निकालना ज़रूरी क्यों होता है। हालांकि कई लोगों को ये डाउट होता है भाई पीएच का रेशियो क्या होता है, पीएच का रेशियो निकालने से क्या होता है। तो यही इस वीडियो में जानेंगे कि पीएच का रेशियो क्यों निकाला जाता है। अब मान लीजिए कि आप कोई बड़ा बैच बना रहे हैं, जैसे कि डिश वॉश हो गया या डिटर्जेंट हो गया या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट आप बना रहे हैं जिसमें एसिड स्लरी और कास्टिक सोडा का यूज़ हो रहा है, या कोई भी एक एसिड और एक अल्कलीन प्रोडक्ट का यूज़ हो रहा है, चाहे वो फिर कोई भी हो गया, साइट्रिक एसिड हो गया हो या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया हो, या कोई भी एसिड जिसके साथ में आपको किसी एक अल्कलीन का या फिर वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया हो या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या कोई भी एक एसिड और एक अल्कलीन हो, इसका रिएक्शन आपको करवाना है, जिसके बेस पे आपको काम करना है। एक ही मटेरियल पे आपको काम करना है, दो सेम या दो कोई भी अलग अलग पकड़ लो, एक साइट्रिक एसिड और कास्टिक सोडा पकड़ लो या फिर एसिड स्लरी और कास्टिक सोडा पकड़ लो, इस पे आपको रेगुलर काम करना है। अब यहाँ पे होता क्या है, आप अगर कोई छोटा बैच बना रहे हैं, चाहे 1 किलो का हो या 2 किलो या 5 किलो का, यहाँ पे आप उसका पीएच चेक करते हैं। ये ज़रूरी है, अगर पीएच में गड़बड़ी होगी तो प्रोडक्ट आपका ट्रांसपेरेंट नहीं बनेगा पहली चीज़, और प्रोडक्ट का जो पीएच अगर हाई हो गया हो या फिर पीएच एसिडिक है तो जब उसको यूज़ करते हैं तो स्किन में प्रॉब्लम होती है। इसके लिए हम पीएच को लेवल करते हैं, पीएच का न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। फिर चाहे वो कोई आप कोई भी पीएच रख लो, चाहे आप 8 का पीएच रखना चाहते हो, 7 का रखना चाहते हो या 10 रखना चाहते हो, जो भी आप रखना चाहते हो, उसका एक फिक्स मेजरमेंट जब निकालना होता है तो उसको किस तरीके से निकाले, जिससे कि छोटे बैच में तो हम बार बार उसके पीएच को चेक कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ा बैच बनाते हैं तो वहाँ पे हमारे पास एक एग्जैक्ट मेज़रमेंट होना चाहिए, जिससे कि जब भी हम काम करें तो हमें बार बार ये पीएच बार बार चेक करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसका एक एग्जैक्ट मेज़रमेंट कैसे निकाला जाता है, ये आज की इस वीडियो में जानेंगे। अब पीएच मेज़रमेंट क्यों निकाला जाता है, पीएच का रेशियो क्यों निकाला जाता है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि जब भी कोई बड़ा बैच बनाना होता है तो उसके लिए हमारे पास एक एग्जैक्ट मेजरमेंट होना चाहिए, और साथ ही क्यों निकाला जाता है। मान लीजिए हम एसिड स्लरी और कास्टिक सोडा की बात कर लेते हैं, तो होता क्या है भाई, आप या तो कभी कभी आप सप्लायर चेंज कर देते हैं, ये मोस्ट ऑफ होता है, क्योंकि ज़्यादा करके लोग क्या करते हैं, कोई भी एक रॉ मटेरियल परचेस करना है और जैसे स्लरी परचेस करनी है तो क्या करेंगे, 10 या 15 जगह पे कॉल करेंगे कि भाई स्लरी का क्या प्राइस चल रहा है। अब जहाँ से उन्हें सस्ता पड़ रहा है वहाँ से वो स्लरी उठाएंगे, या कोई भी रॉ मटेरियल हो गया, ये मेंटालिटी, और ये ज़रूरी भी होता है क्योंकि हमें अगर सस्ता प्रोडक्ट बनाना है तो हम सोचते हैं कि भाई हमें रॉ मटेरियल भी सस्ता मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आपको सही मटेरियल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है वो 2 नंबर की बात है, वो मैं इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं करूँगा, मैं फिर कभी किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा। अब यहाँ पे आपने स्लरी परचेस की है, चाहे आपने आज कहीं और से परचेस कर रहे थे, कल कहीं और से परचेस की, या आप कल कहीं और से परचेस कर रहे थे, आपके पास आज स्लरी कहीं और से आ गई है। अब पहले आप स्लरी यूज़ करते थे, समझ लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, आप अगर 3 किलो आप स्लरी लेते थे, कोई भी बड़ा बैच हो, अब 3 किलो स्लरी लेते थे, अब उसमें अगर आपका 700 या 800 ग्राम आपका कास्टिक यूज़ हो रहा था उसको यूटिलाइज करने में, अब आपने कहीं और से स्लरी परचेस की है, हाँ परसेंटेज दोनों के सेम है, 90% की स्लरी बोल के आपको दे दी है, अब परसेंटेज यहाँ पे सेम है, अब उसमें भी 700 या 800 ग्राम जो भी आप कास्टिक यूज़ करते थे उतना ही यूज़ होगा, ये श्योर नहीं होता। हाँ अगर स्लरी सेम है तो सेम होगा,
बट अगर स्लरी सेम नहीं है या फिर एक ही सप्लायर के पास से नहीं है, कभी कभी ये भी होता है कि एक ही सप्लायर हो बट उसके पास भी कहीं से मटेरियल आ रहा है, कहीं से उसके पास भी स्लरी या कोई भी रॉ मटेरियल उसके पास भी कहीं और से आ रहा है, मैन्युफैक्चरर के पास से आ रहा है, तो उसमें भी माइनर डिफरेंस होता है। अब यहाँ पे जब हम एक बड़ा बैच बनाते हैं, हमारे पास पहले जो मेज़रमेंट है उसके बेस पर जब हम बड़ा बैच बनाते हैं तो कभी कभी उसका पीएच हाई हो जाता है, कभी कभी उसका पीएच एसिडिक भी रह जाता है। तो इसका एक परफेक्ट मेज़रमेंट कैसे पता करें? तो इसका एक सिंपल सॉल्यूशन होता है, पीएच का रेशियो निकाल लिया जाए। कब रेशियो निकालना है? जब भी आप रॉ मटेरियल को परचेस करते हैं, चाहे फिर आप 50 किलो में परचेस करो, चाहे आप 10 किलो में परचेस करो, चाहे आप पूरा का पूरा टैंकर परचेस करो, आपको उसको एक बार में पहले आप एक बार उसको पीएच का रेशियो निकाल लो, फिर वो जब तक आपके पास वो मटेरियल है तब तक उसका रेशियो सेम ही रहेगा। फिर चाहे आप 100 ग्राम स्लरी उसमें से यूज़ करो, चाहे आप 500 ग्राम करो, या फिर 5 किलो करो, या 50 किलो कर लो, उसका मेज़रमेंट सेम रहेगा। वो मेज़रमेंट पहले पता करने के लिए ज़रूरी होता है पीएच का रेशियो निकालना। ये चीज़ बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं और मुझे बहुत सारे लोग इस बारे में कांटेक्ट करते हैं कि सर मैं इतना स्लरी लेता हूँ, उसके सामने मैं इतना कास्टिक डालता हूँ, लेकिन मेरा पीएच न्यूट्रलाइज नहीं हो पाता है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है। कभी कभी ये भी दिक्कत होती है कि वो सही से वर्क नहीं कर रहा है, या फिर जो उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जब न्यूट्रलाइज करते हैं तो उसका ट्रांसपेरेंट टाइप हो जाता है, एकदम प्रॉपर ट्रांसपेरेंट नहीं, लेकिन उसका हल्का येलो टाइप का कलर दिखता है और वो ट्रांसपेरेंट दिखता है। लेकिन ये दिक्कत भी होती है कि वो पूरा मिल्की दिखने लगता है। अब ये स्लरी की क्वालिटी पर डिपेंड करता है, बट पीएच का रेशियो ज़रूरी होता है। अब यहाँ पे ये नहीं है कि आप एक ही सप्लायर के पास से मटेरियल परचेस कर रहे हैं तो उसके पास से आपका एग्जैक्ट रेशियो सेम ही रहेगा, कभी उसमें रेशियो में माइनर डिफरेंस आ सकता है। और ये रेशियो के बेस पे ही हमारा, जब भी हम बड़ा बैच कभी भी बनाते तो रेशियो के बेस पे वो बड़ा बैच इजीली न्यूटिलाइज हो जाता है, जिसका अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे। मैं प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा तो आपको ज़्यादा आसान पड़ेगा। भाई वीडियो स्किप कर करके मत देखो, मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड किए हुए जिसकी लेंथ 8 मिनट 10 मिनट की होती है, लेकिन अगर उसका अगर एवरेज व्यू टाइम देखो तो 3 से 4 मिनट का होता है। इतनी जल्दी में अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो मत ही देखो, क्योंकि आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, उसके बाद फिर प्रोडक्ट बिगड़ेगा तो ब्लेम मेरे पे डालोगे। तो पहले रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, आप पूरी प्रोसीजर को ठीक से समझो यार। आप काम कर रहे हो, आप अपना रॉ मटेरियल यूज़ करना चाहते हो, उस पर वर्क कर रहे हो, तो प्रोसीजर तो उसकी सही से समझ लो। आपके पास प्रोसीजर सही से समझ में आ जाएगी, उसके बाद आप काम करोगे तो वो आपको अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको ये डाउट भी नहीं रहेगा कि भाई ये मेरा बिगड़ा हुआ है, क्योंकि प्रोसीजर आप सही से समझ जाओगे। तो भाई रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले पूरा वीडियो समझ लो अच्छे से, तो ये आपको बहुत ही काम का है, आपको लाइफ टाइम ये चीज़ काम लगेगी। जब तक आप वर्क कर रहे हो, आपको जब भी पीएच का रेशियो निकाल लोगे आप इजीली इसको निकाल सकोगे। ठीक है, तो अभी सीधा प्रैक्टिकल करेंगे हम। तो अभी हम निकालेंगे पीएच का रेशियो। ठीक है, यहाँ पे हम निकालेंगे स्लरी और कास्टिक का पीएच मेजरमेंट। अब इसके लिए हमें चाहिए कास्टिक सोडा, इसका मैंने लाई बना के रखा हुआ है। कास्टिक सोडा का लाई बनाने का जो परफेक्ट उसका सही और अच्छा मेज़रमेंट होता है वो ये होता है, 1 किलो कास्टिक में 3 किलो पानी, मतलब कि आपको 3 किलो पानी लेना है, उसके अंदर आपको 1 किलो कास्टिक को अच्छे से घोल देना है। अब यहाँ पे अगर मैं इस चीज़ को फिर से अभी करने बैठता तो आपको भी आइडिया है कि वह वो काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, उसको ठंडा होने देना पड़ता है, तो उसको काफ़ी समय लग जाता है। इसके लिए मैंने इसकी लाई पहले से बना के रखी हुई है। आपको 3 किलो पानी लेना है और 1 किलो कास्टिक सोडा लेना है, उसको अच्छे से लाई बना के रख देना है। यहाँ पे मैंने इसकी लाई बना के रख दी है। अब दूसरा चाहिए आपको एसिड स्लरी। एसिड स्लरी अब साथ में लगेगा पानी, जिसमें हम बनाने वाले हैं वो है खाली डिब्बा, उसके साथ आपको लगेगा पीएच पेपर, इसके ही बेस पे पूरा वर्क होने वाला है, और साथ में एक बुक और पेन जिसपे हम पूरा मेजरमेंट लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका पीएच रेशियो निकालेंगे। आप भी इसी तरीके से इसका पीएच रेशियो निकाल सकते हैं, एक बहुत ही सिंपल मेथड है ये। तो सबसे पहले हमें स्लरी लेना है और उसको पानी में घोल देना है। कितना? तो भाई 100 ग्राम स्लरी लेंगे और सामने 400 ग्राम पानी लेंगे। तो सबसे पहले हम 400 ग्राम पानी लेंगे
चैनल को पहली बार देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक कर देना यार, क्योंकि इसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, पूरा प्रोसीजर बताना। ठीक है, अब यहाँ पे हमने 400 ग्राम पानी ले लिया है, एक आध दो ग्राम आगे पीछे हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, और इसमें हम 100 ग्राम स्लरी ले लेंगे। पूरा प्रैक्टिकल प्रोसेस बता रहा हूँ भाई। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पे हमने 400 ग्राम पानी और 100 ग्राम स्लरी ले ली है। अब देख सकते हो 500 ग्राम का मेजरमेंट है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। पीएच पेपर की आपको खास ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपको पीएच पेपर नहीं मिलता हो, ये वैसे तो स्टेशनरी की दुकान पर मिल जाता है, कहीं पे भी अगर कोई मेडिकल साइंस का कॉलेज रहेगा तो वहाँ पे पीएच पेपर मिल जाएगा। अगर ना मिलता हो तो आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं, अमेजोन पे इसके बहुत सारे सप्लायर आपको मिल जाएंगे, और वहाँ से इसको परचेस कर सकते हैं। बिना स्किप किए पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पीएच का लेवल लेने का, जिससे कि आप कभी भी कोई भी बड़ा बैच बनाते हैं तो उसमें आपको इजीली इसका मेज़रमेंट मिल जाएगा कि आपको कितना कास्टिक यूज़ करना है, कितना स्लरी यूज़ करना है। आपको कास्टिक के अगेंस्ट भी स्लरी आपको पता चल जाएगा। अगर इनकेस आपका पीएच बढ़ जाता है तो एग्जैक्ट कास्टिक कितना जाएगा वो भी आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये स्लरी का घोल बन चुका है, और इसको हम साथ में लिख भी लेंगे कि भाई हमने वाटर लिया है 400 ग्राम, और स्लरी लिया है 100 ग्राम, और यहाँ पे हमने कॉस्टिक का 1:3 का हमने मेज़रमेंट किया हुआ है। देख सकते हो हमने वाटर लिया है 400 ग्राम, स्लरी लिया है 100 ग्राम, और कॉस्टिक सोडा 1 किलो में 3 किलो पानी है। ठीक है, अभी हम इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, किस तरीके से करेंगे ये पूरा प्रैक्टिकल समझना। जो लोगों को आता है उन्हें पता है, बट जो लोग फ्रेशर है जिन्हें नहीं मालूम है उनके लिए मैं पूरा डिटेल में पूरा प्रोसीजर में बता रहा हूँ। अब ये हमारा सॉल्यूशन जो स्लरी का घोल बन चुका था, इसको वेट मशीन पे रखा है, और इसको हम कर देंगे पहले ज़ीरो। ज़ीरो क्यों करेंगे, क्योंकि हमें लाई का परफेक्ट मेज़रमेंट चाहिए कि भाई हमारा लाई कितना यूज़ हुआ है। सही है, अभी हम इसमें लाई डाल के इसको न्यूट्रलाइज करेंगे और इसका पीएच चेक करते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले अंदाजे से कास्टिक की लाई को मैंने डाल दिया है, अब इसको हम थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ जो आपका बनेगा ये आपका वेस्ट नहीं जाएगा, जब आप प्रोडक्ट बनाएंगे तब उस प्रोडक्ट में आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं, ये भी पूरा यूज़ हो जाएगा क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट मेज़रमेंट है। ठीक है, अभी हमने यहाँ पे इसको लाई को मिक्स कर दिया है, अभी हम देख लेते हैं कि भाई इसका पीएच कितना है। हमने पीएच पट्टी ले लिया, अभी हम इसका पीएच देखते हैं। ओके, ये ब्लू हो चुका है, मतलब ये इसका 10 का पीएच है।
ठीक है, हमें लेना है 8 का पीएच। अब क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। ये 10 का पीएच हुआ है, लेकिन कितना लाई में 10 का पीएच हुआ है वो देख लेते हैं हम। तो भाई हमारा लाई गया है 66 ग्राम, ठीक है, तो हम कास्टिक का लाई लिख लेंगे 66 ग्राम। 66 ग्राम हमारा कास्टिक लाई गया है। अब हमें इसका पीएच डाउन करना है। अब इसको हम फिर से ज़ीरो कर देंगे और हम इसमें थोड़ा थोड़ा स्लरी डाल के इसके पीएच को हम डाउन करके हम इसका 8 का पीएच कर देंगे। तो अंदाज जैसे यहाँ पे थोड़ा सा स्लरी डाला है, कितना डाला है वो हम बाद में देखेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे इस वक्त पानी का कोई रोल नहीं है, इस वक्त पानी सिर्फ हमने लिया हुआ है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट्स है एसिड स्लरी और कास्टिक सोडा, इसको डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जाता है लिक्विड प्रोडक्ट में। इसके लिए हम यहाँ पे पानी यूज़ कर रहे हैं ताकि हम इसका सॉल्यूशन कर सकें, इसका हम सॉल्यूशन बना सकें। अभी हम इसका फिर से पीएच देखेंगे कि क्या ये कम हुआ है। नहीं भाई, अभी भी ये ब्लू पे है। अभी हम इसमें और स्लरी डालेंगे, ये बहुत ही ज़रूरी पार्ट है। मेरे पास स्लरी और कास्टिक के मेजरमेंट का मेरे पास रेशियो है, मैं वन शॉट में इसका न्यूट्रलाइजेशन करके बता देता, लेकिन इतना घुमा के इसके लिए कर रहा हूँ क्योंकि ये प्रोसीजर में कई बार जो लोग इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं उनके साथ ये दिक्कत आ सकती है। तब इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाए कि भाई हमारा पीएच तो बढ़ गया, अभी हम इसको फिर से कम कैसे करें और इसका एग्जैक्ट मेजरमेंट कैसे निकालें, उसके लिए ये पूरी प्रोसीजर को मैं डिटेल में कर रहा हूँ। अब हमने फिर से इसमें स्लरी को डाला है, अभी हम फिर से इसका पीएच देखेंगे। अभी आप देख सकते हो इसका पीएच आ चुका है हमारा 7 पे, ठीक है, देख सकते हो ग्रीन हो चुका है, 7 पे हमारा पीएच आ चुका है। तो जितना हमें चाहिए था उतना पीएच इस वक्त हमारा आ चुका है। कितने में आया वो हम देख लेंगे। अभी हमने फिर से इसमें स्लरी डाला था तो अभी हमारा स्लरी गया है 8 ग्राम, ठीक है। पहले हमने लिया था 100 ग्राम और प्लस 8 ग्राम, तो यहाँ पे हमारा यूटिलाइज करने में 108 ग्राम स्लरी हुआ है 66 ग्राम कॉस्टिक के सामने। अभी हम इसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो कैसे निकालेंगे वो पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। अभी फ़िलहाल हम इसको रख देते साइड में, ये गर्म हो गया रहता है, इसको हम ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। उसके बाद इसी में से हम लिक्विड बनाएंगे, ठीक है। चलो तो अभी हम आगे की डिटेल देख लेते। तो अभी हमें ज़रूरत पड़ेगी कैलकुलेटर की और जो हमने लिखा हुआ था उसकी। तो अभी हमने यहाँ पे देखो स्लरी लिया था 100 प्लस 8, मतलब हमारा स्लरी हुआ है 108 ग्राम, ठीक है, 108 ग्राम हमारा स्लरी हुआ है। लेकिन हमारा कॉस्टिक सोडा का लाई हुआ है 66 ग्राम। अब यहाँ पे हमारा एग्जैक्ट कॉस्टिक सोडा कितना गया हुआ है, तो भाई हमारा 1 किलो कास्टिक था और 3 किलो पानी था, तो हम इस लाई के मेजरमेंट को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। 66 डिवाइड 4, 4 क्यों, क्योंकि ये टोटल 4 है, 3 और 1 4, तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कॉस्टिक सोडा हुआ है 16.5 ग्राम। अब यहाँ पे हमारा कॉस्टिक हुआ है 16.5 ग्राम, किसके सामने, एसिड स्लरी के सामने। 108 ग्राम स्लरी के सामने हमारा कॉस्टिक सोडा हुआ है 16.5 ग्राम। तो अब हमारा रेशियो निकालेंगे। अब रेशियो निकालेंगे, रेशियो निकालने के लिए क्या करना है,
स्लरी के मेजरमेंट को कॉस्टिक के मेजरमेंट से डिवाइड करना है, 108 डिवाइड 16.5। अब यहाँ पे हमारा जो रेशियो आया है वो 6.54 का रेशियो है, 6.54 रेशियो है। अब इस रेशियो का क्या काम है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, अब अभी हम समझेंगे इस रेशियो का क्या काम है। मान लीजिए आप कोई बड़ा बैच बना रहे हैं, चाहे वो डिश वॉश हो चाहे डिटर्जेंट हो। अब वहाँ पे आपने अपने छोटे बैच में तो आपने पीएच को चेक कर लिया, लेकिन जब बड़ा बैच आप कोई बनाते हैं तो अब उसमें आपने स्लरी लिया हुआ है, चाहे कोई भी मेज़रमेंट का आपने स्लरी लिया है, लाइक आपने स्लरी लिया, अगर आप 50 किलो का बैच बनाते हैं उसमें आपने स्लरी लिया है 8 किलो 560 ग्राम, ठीक है, रैंडम आंकड़ा लिया हुआ है, 8 किलो 560 ग्राम स्लरी लिया हुआ है, तो यहाँ पे मेरा कॉस्टिक सोडा कितना जाएगा। अब उसके लिए हमारे स्लरी के मेज़रमेंट को 8 किलो 560 ग्राम इसको डिवाइड करेंगे इस रेशियो से, डिवाइड 6.54, तो यहाँ पे हमारा कॉस्टिक सोडा जाएगा 1 किलो 308 ग्राम, ठीक है, कॉस्टिक 1 किलो 308 ग्राम। अब सामने 3 गुना पानी है, तो 1 किलो 308 गुना 3, 3 किलो 924 ग्राम, 3 किलो 924 ग्राम प्लस 1 किलो 308 जो हमारा ओरिजिनल कॉस्टिक है, ये हमारा पानी हो गया। 3 गुना हम पानी लेते हैं, कॉस्टिक सोडा 1 किलो होता है, सामने 3 किलो पानी होता है, और ये हमारा कॉस्टिक है। तो अब टोटल हो गया 1 किलो 308 मल्टीप्लाई 4 5 2 3 2, 5 किलो 232 ग्राम जो हमने यहाँ पे लाई लिया हुआ था, टोटल जो हमारा लाई हुआ है, जो ये 66 ग्राम था, वो आपको टोटल लेना पड़ेगा 5 किलो 232 ग्राम। आप 8 किलो 560 ग्राम अगर स्लरी लेते हैं, इसमें अगर चाहे आप 4 गुना पानी करो या 5 गुना पानी करो, आपको इतने मेजरमेंट का जब आप उसके अंदर कास्टिक का लाई डाल देंगे वो आपका वन शॉट में न्यूट्रिलाइज हो जाएगा। फिर आप चाहो तो एक बार खाली उसका पीएच पेपर से आप चेक कर सकते हैं। अब उसी तरीके से अगर देखा जाए तो हम कॉस्टिक सोडा यूज़ करते हैं कि अगर हमने पीएच का न्यूट्रिलाइज कर रहे थे, अब यहाँ पे हमारा किसी वजह से हमारा कास्टिक का लाई ज़्यादा गिर गया, जो अगर हमें यहाँ पे यूज़ कर रहे थे 5 किलो 232 ग्राम, ठीक है, अब यहाँ पे हमारा कॉस्टिक का लाई हो गया, चलो 5 किलो 300 ग्राम हमारा हो गया, 5 किलो 300 ग्राम हमारा कास्टिक का लाई चला गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने 8 किलो 560 ग्राम स्लरी तो ले लिया, लेकिन कास्टिक का लाई जो 5 किलो 232 ग्राम जाना चाहिए था वो 5 किलो 300 ग्राम चला गया। तो हमें एग्जैक्ट स्लरी कितना ज़्यादा डालना है, जैसा कि मैंने अभी प्रैक्टिकल कर रहा था, तब मैंने पीछे से स्लरी को थोड़ा यूज़ करके उसका न्यूट्रिलाइज किया, तो एग्जैक्ट हमारा स्लरी कितना जाएगा वो चीज़ भी हम देख लेंगे। अब हमारा यहाँ पे कास्टिक का लाई कितना गया है, 5 किलो 300 ग्राम। अब इसका पहले डिवाइड 4 करेंगे जिससे कि हमारा एग्जैक्ट कास्टिक का मेज़रमेंट मिलेगा, 3 गुना पानी और 1 गुना कास्टिक है, तो डिवाइड 4 करेंगे तो 1 किलो 325 ग्राम हमारा टोटल कास्टिक है, 1 किलो 325 ग्राम हमारा टोटल कास्टिक है। अब सिंपल इसको क्या करना है, रेशियो से मल्टीप्लाई करना है, किससे, रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। तो 1 किलो 325 ग्राम हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6.54 से, तो अब यहाँ पे आपका जो स्लरी जाना चाहिए 8 किलो 665 ग्राम, 0.5 है, अगर ये और भी बड़ा बेचो तो ये पॉइंट पीछे चला जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं 8 किलो 665 ग्राम, तो यहाँ पे आपका स्लरी जाना चाहिए 8 किलो 665 ग्राम। पहले हमने यूज़ किया हुआ है 8 किलो 560 ग्राम, तो अब पीछे से आपका स्लरी कितना जाएगा, 8 किलो 665 माइनस 8 किलो 560 ग्राम, तो टोटल आपका स्लरी जब आप 105 ग्राम आप इसी सॉल्यूशन के अंदर जब आप डाल दोगे तो ये आपका एग्जैक्ट न्यूट्रिलाइज हो जाएगा।
ये पूरा डिटेल में मैंने बताया हुआ है, ये चीज़ मैं ट्रेनिंग में भी समझाता हूँ, यहाँ पे मैंने इसको पूरा डिटेल में बताया हुआ है। इस तरीके से आप इसका न्यूटिलाइजेशन प्रोसेस भी कर सकते हो और इसका रेशियो भी आप आसानी से निकाल सकते हो, चाहे आपका कास्टिक बढ़ जाए चाहे आपका स्लरी बढ़ जाए, उसका वन शॉट में न्यूटिलाइज कैसे करना है वो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके और आप कुछ नया सीख सके और आपका रॉ मटेरियल वेस्ट ना हो। थैंक यू।